मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। देखता हूं आप मेरे साथ कितने ईमानदार हैं, सुनेगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। आप खामोश रहे लेकिन मतलब बहुत अच्छा था। इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। और शेर, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। ऐसे ही बेहतरीन कलाम सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल झनकार डीएस अनाथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। और शेर पढ़ता हूं सनावत में, मोहतरम मेरे मुशायरे की आबरू हजरत मुनव्वर राना साहब की मौजूदगी में, इस एतमाद के साथ कि इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा। सुने इकबाल भाई नईम अख्तर खादमी साहब की मौजूदगी। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मिस्रा लग गया हो तो मुझे लगे कि मैं सनावत में हूं। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, मेरे चराग बहुत अच्छे आशिक। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। संभल संभल के, मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मैं अपने कन्वीनर आफ्ताब साहब की बात नहीं कर रहा हूं। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। और शेर पेश कर रहा था, इसी रोशनी में आपको शरीक करता हूं, सुनेगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, यहां से गिर के कहां आदमी संभलता है, यहां से गिर के कहां आदमी संभलता है, यहां से नहीं। दोबारा इसलिए नहीं, मेरी जान निकली जा रही है, बार बार दोबारा दोबारा कर रहे हैं। पेश करता हूं एक मुझे छोटी सी नज्म आप तक पहुंचानी है, मेरे जो मुशायरे का इसका मकसद है जो आपने सजाया है, उससे कबल एक मतले की इजाजत दे दे। इजाजत है? जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, सुनेगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए,
ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। एक मतलब एक और हुक्म है, मतलब आप तक पहुंचाता हूं। अक्सर आप सुनते कि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं बताता हूं सनावत में दुनिया कितनी बड़ी है। अगर मैं बताना में कामयाब हुआ तो मैं सनावत की ताईद चाहता हूं और अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। अगर आप भैया लाइट इस तरफ कर लीजिए, वो डिस्टर्ब हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, प्लीज ये मेरी गुजारिश, पढ़ मेरा फोटो आप उनका ले रहे हैं, कितने शरीफ आदमी आप, बहुत शुक्रिया। और हालांकि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, और अच्छा फोटोग्राफर वही अच्छा हो सकता है जो बचपन से पड़ोस के घर में ताकझांक करता हो। सुनेगा, मतलब पेश करता हूं, सुनेगा बतौर खास, मैं जिनके हाथों संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। मतलब पेश करता हूं और आपकी खिदमत अर्ज कर रहा था, अगर आप मेरे इस मतले पर नहीं जागे तो कसम खुदा की मेरी अपनी शायरी पर आप अभी लास्ट तक नहीं जागेंगे। मतलब पेश करता, सुनेगा, इससे खूबसूरत शायरी में कर भी नहीं पाया और ये भी जानता हूं कि सच्चा लिख भी नहीं पाऊंगा। मतलब सुनिएगा बतौर खास, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया। अक्सर आप सुनते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया। मैं हाजिर करता हूं फिर से, इसको तो मैं तब तक पढ़ सकता हूं जब तक मेरी आखिरी सांस है। इस पर नहीं कहूंगा कि मेरी जान निकली जा रही है, खुदा करे यही पढ़ते पढ़ते जान निकल जाए तो मेरा भी काम हो जाए। पेश करता हूं, ये जो अखबार वाले हैं, ये मुझे इनके अखबार का नाम बताओ, एक दो बार जिक्र करो, कल बिकेगा ही नहीं। सुनेगा, पेश करता हूं, सुनेगा, समाप्त फरमाए, इजाजत है, बहुत शुक्रिया। आप भी एक बार मुझे जोरदार तालियों से मुझे हुक्म दें, बहुत शुक्रिया। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। और शेर, तत्व हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, मेरी ताईद करना, कत्ल हिंदू का, ये ताली बजा रहे हो, तंबाकू पीट रहे हो, लगी आप ताली बजा रहे थे, एक बार जोरदार ताली मुशारा कमेटी के लिए बजाइए, मुरव्वर पटेल साहब के लिए बजाइए, भाई आफ्ताब साहब के, उनकी पूरी टीम के लिए बजाइए। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल झनकार डीएस सनातन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।